हाँ देखिए, आज हम लोगों को पढ़ना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्लास 8 में है ना? Yes, कौन सा लेसन है? चैप्टर 9। ठीक है, तो चैप्टर 9 हम लोग जा रहे हैं स्टार्ट करने, क्लास 8। आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये लेसन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से हमारी बात को सुनिए आप लोग। व्हाट इज लाइफ, कौन बताएगा? व्हाट इज लाइफ क्वेश्चन हमने पूछा आपसे। व्हाट इज लाइफ, तो लाइफ इज अ प्रोसेस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ क्या है? एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जो कौन परफॉर्म करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये बेंच थोड़ा उधर खिसकाओ, तुम सब लोग अपना अपना बेंच खिसकाओ, थोड़ा थोड़ा बस। तुम अपना बेंच थोड़ा उधर करो। ठीक, तो लाइफ इज अ प्रोसेस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं? तो कुछ प्रोसेस आप पहले से ही जानते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, एडाप्टेशन, इसके अलावा रिप्रोडक्शन, और भी प्रोसेस है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन प्रोसेस को परफॉर्म करता है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको ये रेस्पिरेशन की प्रक्रिया मिलती है। जैसे बताओ, हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं कि नहीं? Yes, सांस लेते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सांस लेने छोड़ने को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस इज ब्रीदिंग प्रोसेस, ये रेस्पिरेशन नहीं है। बाहर की हवा को अपने लंग्स में लेना और अपने लंग्स के एयर को बाहर छोड़ना, ठीक है, इसको इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन बोलते हैं। ये ब्रीदिंग का पार्ट है। रेस्पिरेशन वह प्रोसेस होता है जिससे एनर्जी पैदा होती है। जो फूड खाते हो ना, तो उस फूड से तुम्हें क्या मिलती है? तो कौन से प्रोसेस से मिलती है? रेस्पिरेशन से मिलती है। और सांस को लेने में और छोड़ने में हमको अपनी एनर्जी खर्च करना पड़ता है, ना कि हमको कोई एनर्जी मिलती है। तो ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें एनर्जी यूज, हम लोग अपनी एनर्जी को खर्च करते हैं, एनर्जी स्पेंड करते हैं। बात समझ में आ रही है? और रेस्पिरेशन में क्या हमको होता है बताओ? वो तो एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो सांस लेने छोड़ने को रेस्पिरेशन
नहीं कहते, ये हमारे रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। ब्रीदिंग क्या है? हमारे रेस्पिरेशन का एक हिस्सा है, ना कि वो कंप्लीट रेस्पिरेशन है। ठीक है, रेस्पिरेशन की चर्चा फिर आगे करेंगे जब रेस्पिरेशन चैप्टर में आएंगे। आज का ये टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक क्या बताओ? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखो, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करना बंद कर दे तो क्या वो जीवित रह सकता है? क्या वो लिविंग स्टेट में रह सकता है? तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस हो गया जिसको कौन परफॉर्म करेगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करेगा ही करेगा। तो रेस्पिरेशन देखो एक वाइटल प्रोसेस है, बिना रेस्पिरेशन के वो सर्वाइव नहीं कर सकता। वही डाइजेशन, बताओ आपकी फूड में अगर डाइजेशन होना बंद हो जाए तो? बोलो, अगर आप खाना खाएं वो डाइजेस्ट ही ना हो तो क्या कोई सर्वाइव कर पाएगा? नहीं। बिना डाइजेशन के आप सर्वाइव? अच्छा एक बात तो भूल ही गए, बताओ प्लांट में रेस्पिरेशन होगा कि नहीं? प्लांट तो फोटोसिंथेसिस करता है ना, रेस्पिरेशन करता है कि नहीं? करता है। हाँ, प्लांट भी रेस्पिरेशन करता है। अच्छा बताओ, दिन के समय में प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस करता है। और रात में क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, यह अवधारणा आपकी क्या है? गड़बड़ है। रेस्पिरेशन बच्चों 24 घंटे चलता रहता है। अभी बताया कि बिना रेस्पिरेशन के कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव? तो रेस्पिरेशन हमेशा चलता रहता है प्लांट के अंदर, और फोटोसिंथेसिस केवल दिन के समय में होता है जब सनलाइट की अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन प्लांट में हमेशा चलता रहता है। जैसे हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन हमेशा चलता रहता है, वैसे प्लांट में भी रेस्पिरेशन हमेशा चलता रहता है। ठीक है, तो ये 24 आवर चलने वाला प्रोसेस है। फिर देखो, सर्कुलेशन हमारी बॉडी में चल रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है कि नहीं? अगर ये सर्कुलेशन रुक जाए तो लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, हार्ट पंप करना बंद कर देता है, तो उनकी तुरंत क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो जरूरी हैं किसी एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग स्टेट में बनाए रखने के लिए। ये प्रोसेसेस बच्चों आवश्यक हैं। कौन से प्रोसेस? हाँ, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया। लेकिन एक प्रोसेस का हमने जिक्र किया यहाँ पर, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? संतान उत्पन्न करना, अपनी संख्या को बढ़ाना। ये लिविंग की प्रॉपर्टी है, लिविंग का फीचर है। जैसे चेयर रखी हुई है तो एक चेयर से दो चेयर अपने आप नहीं बन सकती है, जिस चेयर में रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन लिविंग के पास ये क्षमता है कि अपनी संख्या को क्या कर सकते हैं, बताओ? बढ़ा सकते हैं। लिविंग अपनी संख्या को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। तो किसी एक ऑर्गेनिज्म को, अब जो बात बताने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। कोई एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है। तुम क्या हो? एक ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, गाय क्या है? एक तो गाय तुम्हारे घर में है तो वो एक ऑर्गेनिज्म है। और स्पीसीज क्या होता है? जैसे हम सब लोग ह्यूमन है, हम सब लोग क्या है? तो हम सब लोग एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं। वो स्पीसीज का नाम क्या बताओ? ह्यूमन। हम सब लोग मनुष्य हैं कि नहीं? तो ह्यूमन एक स्पीसीज का नाम है। हम बोल रहे हैं बिल्ली, तो ये बिल्ली एक दूसरी स्पीसीज हो गई। कुत्ता एक तीसरी स्पीसीज हो गया। ठीक है, तो जितने अलग अलग प्रकार के, अलग अलग वैरायटी के जो ऑर्गेनिज्म तुम देखते हो, वो अलग अलग स्पीसीज के मेंबर हैं। गाय अलग स्पीसीज है, घोड़ा अलग स्पीसीज है, शेर अलग स्पीसीज है, ठीक है, मंकी अलग स्पीसीज है। तो ये अलग अलग स्पीसीज है। और एक तो मंकी क्या है?
वो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है। तो देखो, किसी स्पीसीज को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन आवश्यक है, न कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। बात क्या बोल रहे हैं? जैसे मनुष्य की स्पीसीज अर्थ पे है, मनुष्यों में अगर रिप्रोडक्शन बंद हो जाए, जरा सोच के देखो, इमेजिन करो कि मनुष्य अब नए संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, तो क्या होगा? जितने मनुष्य हैं वही रहेंगे, ये धीरे 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 बूढ़े होंगे और एक दिन सारे मर जाएंगे, और हमारे अर्थ पर से मनुष्यों का अस्तित्व क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो क्या मनुष्य की स्पीसीज बचेगी कि खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, होगा कि नहीं? अगर हम चाहते हैं कि कोई स्पीसीज अर्थ पे बनी रहे, तो कब बनी रहेगी? जब उसमें रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी होगी, रिप्रोडक्शन की क्षमता होगी। तो किसी स्पीसीज के एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन आवश्यक है, ठीक, ना कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए रिप्रोडक्शन आवश्यक है। अब मान लो हम ही हैं या तुम ही हो, कोई भी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, वो जिंदगी भर कोई संतान उत्पन्न ना करे, तो क्या मर जाएगा? बोलो, अगर रिस्पिरेशन नहीं होगा तब तो मर जाएगा, वो डाइजेशन नहीं होगा तब तो मर जाएगा। तो तुरंत उसका एग्जिस्टेंस क्या होगा? उस ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगा। बोलो, लेकिन अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो क्या तुरंत मर जाएगा? नहीं, वो खुद तो सर्वाइव करेगा। तो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है कि स्पीसीज को? हाँ, स्पीसीज को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन का आवश्यक है, न कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के लिए। बात समझ आ रही है? बहुत से लोग देखो स्टेराइल होते हैं, वो संतान उत्पन्न करने की क्षमता उनके अंदर नहीं पाई जाती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके कोई बच्चे नहीं है, उनके अंदर रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो क्या वो मर जाते हैं? तुरंत मर जाएंगे? नहीं, वो जिंदा रह जाएंगे। तो बाकी ये जो प्रोसेस है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, ये हर एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए आवश्यक है। अगर हमारी बॉडी में सर्कुलेशन ना हो तो तुरंत क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। बात समझ आ रही है? तो रिप्रोडक्शन क्यों आवश्यक है बताओ? किसी स्पीसीज के एग्जिस्टेंस के लिए क्या आवश्यक है? रिप्रोडक्शन। तू बचपन में भी देखते आ रहे हो बर्रा कभी कभी काट लेती है, बोलो आज भी तुमको काट ले रही है, तो बर्रा इतने समय से जिंदा क्यों है? क्योंकि उनके अंदर क्या क्षमता है? रिप्रोड्यूस करने की क्षमता है। और अगर आज ही उनमें रिप्रोड्यूस करने की क्षमता खत्म हो जाए, तो कुछ ही सालों में सारी बर्रे बूढ़ा बूढ़ा के क्या होगी? एजिंग तो सब में होती है ना, तो वो भी एक दिन बूढ़ी होगी और एक दिन उसका लाइफ साइकिल क्या होगा? खत्म हो जाए। अच्छा, लाइफ साइकिल क्या होता है? जन्म से लेकर मरने तक के समय को बोलते हैं लाइफ साइकिल। क्या बोलते हैं? फ्रॉम बर्थ टू डेथ, टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ, इस बीच का जो समय अंतराल है, इसी को क्या बोलते हैं? लाइफ साइकिल बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी तक तो हम लोग से ये समझे कि रिप्रोडक्शन आवश्यक क्यों, बताओ रिप्रोडक्शन किसी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए आवश्यक है कि स्पीसीज को के सर्वाइवल के लिए आवश्यक है? स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए आवश्यक है, ना कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के लिए आवश्यक है। आगे देखिए बच्चों, अब ये जो चैप्टर है आपका, इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है। क्लास 7 में आप प्लांट में रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं और 8 में आप आ चुके हैं, तो यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पढ़ना होता है, ठीक है। तो देखो, जो रिप्रोडक्शन है,
ये दो तरह का होता है, एक होता है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहेंगे और एसेक्सुअल किसे कहेंगे, समझो बात को। अगर एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म से एक दूसरा ऑर्गेनिज्म बन जाए, एक ही पेरेंट से एक ऑर्गेनिज्म ही दूसरे ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति करा दे, तो वहां होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर दो ऑर्गेनिज्म मिलकर के एक नए ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति करें, तो वहां होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे ह्यूमन में बताओ कैसा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फादर और मदर दो पेरेंट होते हैं कि नहीं, बोलो। दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वहां पे सिंगल पेरेंट होगा, एक ही केवल अकेला पेरेंट होगा, उसी से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व हाउ मेनी पेरेंट्स, टू पेरेंट्स। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताओ, सिंगल पेरेंट होगा, एक ही पेरेंट होगा। अब तुम सोच रहे होगे कि सर ऐसा कहां होता है कि एक ही पेरेंट हो, हमने तो कभी देखा ही नहीं एक ही पेरेंट से नया ऑर्गेनिज्म बन जाए। देखो देखे हो, हम बता रहे हैं। जैसे कोई प्लांट है, ये क्या है, प्लांट के रूट्स। अब रूट के ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, शूट। क्या बोलते हैं, शूट में ही स्टेम, लीफ, फ्रूट्स और फ्लावर पाए जाते हैं, पता है आपको। सॉयल के ऊपर जो प्लांट का पोर्शन, उसको क्या बोलते हैं, शूट। और नीचे वाले, दिस इज रूट सिस्टम, ठीक है। कभी कभी देखे होंगे गुलाब के पौधे को ऐसे हम लोग काट देते हैं, और काट करके इसको फिर मिट्टी में ऐसे लगा देते हैं, तो ये ग्रो कर जाता है, देखे हो। ये पौधा क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा, इसमें से भी निकलती हैं रूट्स और एक नया प्लांट बन जाता है। इसको देखे हो कभी, पौधे को ऐसे काटे और काट करके लगा देते हैं, उसी से क्या बन जाता है, नया प्लांट बन जाता है। बताओ इस प्लांट का पेरेंट कौन है, ये प्लांट। तो एक ही पेरेंट से नया प्लांट बन गया कि नहीं, क्या दो पेरेंट की आवश्यकता पड़ी, कैसा रिप्रोडक्शन हुआ, एसेक्सुअल। संख्या तो बढ़ गई, पहले एक पौधा था अब दो पौधे हो गए, तो संख्या बढ़ गई मतलब रिप्रोडक्शन प्रोसेस पूरा हुआ, बोलो। रिप्रोडक्शन प्रोसेस पूरा हुआ, इसमें कितने पेरेंट की आवश्यकता पड़ी, ओनली वन। तो सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट जहां पे है वहां पे कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बताओ वहां पे कितने पेरेंट्स होंगे, बताओ। ह्यूमन में कैसा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ठीक। ये तो पहली बात हुई सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। दूसरी बात देखो, जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, कब हम कहेंगे कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहां पे बच्चों फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब देखो ये पहले तो गैमीट क्या चीज होती है, एक नया नाम आपके सामने आ गया। देखो हमारा जो पूरा शरीर है
वो छोटी छोटी सेल से मिलके बना है, ये तो सबको पता होगा। जैसे घर बनाने के लिए हम लोग ईंट का उपयोग करते हैं, ब्रिक्स का उपयोग करते हैं, वैसे ही हमारा जो शरीर है वो अत्यंत छोटी छोटी सेल से मिलके बना होता है। और सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस बात को याद रखना। कोई पूछे व्हाट इज सेल, क्या बोलोगे? सेल किसे कहते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखो, यह जो हमारे शरीर की सेल्स हैं, हमारे शरीर में करोड़ों कोशिकाएं पाई जाती हैं, करोड़ों सेल्स पाई जाती हैं। हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। कैसे हैं? अमीबा कैसा है? यूनी सेलुलर, उसमें केवल एक ही सेल होती है। जबकि हम लोग कैसे हैं? मल्टी सेलुलर। अब सेल की बात बता रहे हैं तो याद रखना कि हमारे शरीर की सबसे लंबी सेल कौन सी है? नर्व सेल। कौन सी है? या उसको न्यूरॉन भी बोलते हैं। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? न्यूरॉन या फिर नर्व सेल। दुनिया में सबसे बड़ी सेल कौन सी है? तो पूरे वर्ल्ड में अगर देखें तो सबसे बड़ी सेल होती है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच एक शुतुरमुर्ग का नाम सुने हो? ये एक बर्ड है। ये क्या है? उड़ता है कि नहीं? कैसी बर्ड है? फ्लाइटलेस, फ्लाइटलेस बर्ड है। तो यह जो शुतुरमुर्ग का अंडा है, ये दुनिया की सबसे बड़ी सेल है, वो भी एक सिंगल सेल है वो। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडे का साइज लगभग होता है एक जो नवजात शिशु है, ये कोई बच्चा अगर न्यूली बॉर्न बेबी है तो उसका हेड जितना बड़ा होता है उतना बड़ा उसका अंडा होता है। ठीक है, तो वो सबसे बड़ी सेल है। सबसे छोटी सेल कौन सी है? तो सबसे छोटी सेल है माइकोप्लाज्मा। नोट कर रहे हो कि नहीं तुम लोग? स्मॉलेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल कौन सी है बताओ? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का साइंटिफिक नेम है स्टूथियो। ठीक है, तो अभी आपके सिलेबस में ये सब नहीं है साइंटिफिक नेम। स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल होती है माइकोप्लाज्मा। और लॉन्गेस्ट सेल इसे नर्व सेल, या इसी को कहते हैं न्यूरॉन। नर्व सेल और न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल। नोट कर लिए? चले आगे। देखिए, हम आपको गैमीट के बारे में बताना चाहते हैं कि गैमीट क्या होता है। तो गैमीट देखो एक सिंगल सेल होती है। ध्यान से सुनना हमारी बात। गैमीट क्या होता है? एक सिंगल सेल होती है। ये देखो एक हमने बनाया हुआ है सेल, मान लो कि ऐसी सेल है। ठीक है, तो हमारे बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं सारी सेल्स डिप्लॉयड होती हैं गैमीट्स को छोड़ करके। हमारे बॉडी की सभी सेल्स कैसी हैं? डिप्लॉयड गैमीट को छोड़ करके। क्या मतलब है इसका? देखो, हमारे हर एक सेल में 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम
अब ये क्रोमोसोम भी आप नहीं जानते, अभी आपने ना क्रोमोसोम सुना है, ना डीएनए सुना है, ना जीन सुना है, ना एलील सुना है, ठीक है। तो छोटा सा हम आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट उसका बता देते हैं, डिटेल आपको अगले क्लास में आगे की कक्षाओं में पढ़ना होता है तो वहाँ आपको बताया जाएगा, अभी आप सुनिए केवल। देखो, पेरेंट के कुछ कैरेक्टर, पेरेंट के कुछ लक्षण बच्चे में आते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको लोग बोलते हैं कि इसकी नाक इसके मम्मी पे गई है, आँख पापा पे गई है, फलनवा चीज इसके ऊपर गया है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? Yes, sir. क्यों ऐसा है? क्योंकि पेरेंट्स से कुछ चीजें बच्चे में आती हैं। उनको कौन लेके आता है? पेरेंट के कैरेक्टर, उनके लक्षण बच्चे में कौन लेके आता है? बोलो, कौन लेके आता है? तो पेरेंट से डीएनए बच्चे के अंदर आता है। क्या आता है? डीएनए आता है। डीएनए का तो नाम सुने होंगे, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये डीएनए का फुल फॉर्म है। तो पेरेंट से ये जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, ये कैरेक्टर लेकर के ऑफस्प्रिंग में आते हैं। ऑफस्प्रिंग मतलब होता है संतान। तो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक कैरेक्टर्स को कौन लेके आता है? डीएनए। तो ये जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये काफी लंबे लंबे होते हैं, काफी लंबा मॉलिक्यूल होता है डीएनए का, ऐसे काफी लंबा सा मॉलिक्यूल होता है। और डीएनए देखने में कैसा होता है? देखो, ये तो है तो मॉलिक्यूल, अब मॉलिक्यूल तो इतना छोटा होता है कि जिसको आप अपनी आंख से देख ही नहीं सकते। तो क्या माइक्रोस्कोप से देखोगे कि नहीं? नहीं दिखेगा। मॉलिक्यूल जो है वो उसको माइक्रोस्कोप से आप नहीं देख सकते, तब कैसे दिखेगा? बच्चों, दिखेगा ही नहीं। आज तक कोई मॉलिक्यूल को देख नहीं पाया है। एटम और मॉलिक्यूल ये सब देखने की चीजें नहीं है, कोई देखता नहीं इसको। तो कैसे पता कर लेते हैं कि डीएनए का मॉलिक्यूल ऐसा है? आप भी बड़े होंगे तो आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। अभी के लिए आप देखिए, डीएनए का मॉलिक्यूल देखो डबल हेलिकल होता है। कैसा होता है? डबल हेलिकल, जैसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है? डबल हेलिकल है। जैसे बांस की आपने सीढ़ी देखी होगी, इसमें बीच बीच में ऐसे डंडा रहता है जिस पर आप चढ़ते हैं, देखे हो? अब ऊपर का दोनों डंडा पकड़ लो और नीचे वाला डंडा पकड़ लो, इसको ऐंठो, इसको खूब ऐंठो, तो खूब ऐंठा जाएगा कि नहीं बताओ? बांस तो ऐंठाएगा नहीं, वो तो सॉलिड है, हार्ड है कि नहीं? कोई फ्लेक्सिबल चीज आप अपने दिमाग में एज्यूम कर लीजिए कि बांस की जगह पे क्या है, कोई टायर जैसा या कोई फ्लेक्सिबल चीज है, रबड़ है, ठीक है। उसको आप ऐसे ऐंठ रहे हैं, ठीक है, उसको ऐसे खूब ऐंठ दोगे तो ये दोनों डंडा एक दूसरे में क्या होगा, ऐसे घूम जाएगा कि नहीं? तो ऐसे दो डंडे होते हैं, दोनों ऐसे एक दूसरे में ऐसे लिपटे रहते हैं, ऐसे घुमा घुमा रहता है, ठीक है। ऐसा डीएनए होता है। तो ये डबल मतलब दो और हेलिकल मतलब घुमावदार, हेलिकल मतलब घुमावदार, ऐसे ये घुमावदार स्ट्रक्चर डीएनए का होता है। तो ये हर एक सेल में मौजूद होता है, ये हमारी जितनी सेल्स हैं हर एक सेल में डीएनए मौजूद होता है। तो डीएनए क्रोमोसोम के रूप में मौजूद होता है। डीएनए और क्रोमोसोम में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। अभी के लिए आप नाम केवल याद रखें, डीएनए कौन से रूप में होता है? क्रोमोसोम के रूप में होता है ना? अभी आपके सिलेबस में डीएनए क्रोमोसोम इसकी चर्चाएं नहीं है, तो इस पर हम बहुत ज़्यादा उधर जाना नहीं चाहते क्योंकि आपके सिलेबस से वो बाहर की चीज़ें हो जाएंगी।
तो बस इतना आप याद रखेंगे कि क्रोमोसोम किस चीज का बना है, डीएनए से बना है। क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। तो हमारे हर एक सेल में 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने पेयर? 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं हर एक सेल में होगा। हाँ, जैसे बताओ मार्केट में तुम चप्पल खरीदने जाओ या जूता खरीदने जाओ, तो तुम्हारे पास कैठो पैर है, दो कैठो जूता खरीदोगे, दो जूता खरीदोगे, एक का जूता खरीदोगे, वन पेयर खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? वन पेयर। ठीक है, तो वैसे ही हमारे हर एक सेल में 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। जैसे ये हो गया वन पेयर, ये हो गया दूसरा पेयर ना, ये हो गया तीसरा पेयर, ऐसे ऐसे। जैसे हमारी सेल है तो ऐसे 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 23 पेयर क्रोमोसोम्स होंगे हमारे हर एक सेल में। ठीक है, इसमें से जैसा ये क्रोमोसोम होगा वैसा ही ये क्रोमोसोम होगा। अरे एक पैर का जूता जैसा होगा वैसा ही दूसरे पैर का होगा। एक पैर में जूता पहनोगे, एक पैर में चप्पल पहनोगे, ऐसा होगा। तो जब पेयर में क्यों बोल रहे हैं? पेयर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसा ये है वैसा ही ये। एक ही क्रोमोसोम की दो कॉपीज होती हैं, एक ही क्रोमोसोम की दो कॉपीज होती हैं, इसलिए उसको पेयर बोलना पड़ रहा है। समझ गए? अच्छा, तो बताओ अगर 23 पेयर है, अगर हम संख्या पूछें कि क्रोमोसोम का इसकी संख्या बताइए हमारे सेल में, तो क्रोमोसोम की संख्या बताओ कितनी हो जाएगी? 46। तो हमारे हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं। अच्छा, ये जो क्रोमोसोम जब पेयर में होते हैं तो ऐसी सेल को हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयड सेल। कैसी सेल? और इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2n। तो तुम्हारे नाक में जो सेल्स हैं, हाथ में सेल्स हैं, कान में है, पूरे बॉडी में जो सेल्स हैं सारी सेल्स कैसी हैं? डिप्लॉयड, गैमीट को छोड़ करके। अभी आगे बात करेंगे। तो हमारे हर एक सेल में डिप्लॉयड सेल हैं। जब जहां कहीं भी कह दिया गया डिप्लॉयड सेल है, इसका मतलब क्रोमोसोम पेयर में मौजूद हैं। कैसे मौजूद हैं? जैसे देखो हमारे पास, मान लो हम ऐसे आदमी हैं जो हमारे पास जूता चप्पल सैंडल सब मिला करके 23 पेयर पैर में पहनने वाला हमारे पास है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास जूता चप्पल सब कुछ डिप्लॉयड है, क्योंकि एक पैर का नहीं है, दोनों पैर का है ना, तो क्या है? डिप्लॉयड है। तो जितनी भी डिप्लॉयड सेल्स होती हैं उसमें एक ही तरह के कितने क्रोमोसोम होते हैं? दो क्रोमोसोम्स होते हैं, एक फादर से आया रहता है और एक मदर से आया रहता है। ठीक है, हमारे शरीर में कितने क्रोमोसोम हैं? हमारे हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम हैं, या 23 पेयर है। तो एक पेयर फादर से आता है और एक पेयर मदर से हमारे शरीर में आया हुआ है। बात समझ में आ रही है? अगली बात ध्यान दो। देखो ह्यूमन एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज है। कैसी स्पीसीज है? तो निश्चित रूप से गैमीट बनना चाहिए, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे बोलते हैं? जहां पे फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट हो। बोलो, तो हमारे शरीर में क्या बनना चाहिए? गैमीट
गैमीट बनना चाहिए। तो गैमीट कहाँ बनता है? देखो मेल के भीतर बनता है मेल गैमीट और फीमेल के अंदर बनता है फीमेल गैमीट। मेल की बॉडी में भी गैमीट बनते हैं और फीमेल की बॉडी में भी गैमीट बनते हैं। मेल की बॉडी में कैसा गैमीट? मेल गैमीट। और फीमेल की बॉडी में? तो मेल की बॉडी में जो गैमीट बनेगा इसको बोलेंगे मेल गैमीट। और इसी मेल गैमीट का बच्चों नाम है स्पर्म। क्या नाम है? स्पर्म। फीमेल की बॉडी में बनता है फीमेल गैमीट। और इस फीमेल गैमीट को क्या बोलते हैं? ओवम। क्या बोलते हैं? ओवम। ठीक है। किस जगह पे बनता है ध्यान देना। जैसे ये मेल की बॉडी है मान लो, ये मेल की बॉडी है, तो मेल की बॉडी में बच्चों यहां पर एक स्क्रोटल सैक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्क्रोटल सैक। और इस स्क्रोटल सैक में ऐसे दो ठो टेस्टीज होते हैं। देर आर टू टेस्टीज। मेल की बॉडी के बाहर एक कैविटी पाई जाती है, एक इस कैविटी का नाम है स्क्रोटम। क्या नाम है? या इसको बोलते हैं स्क्रोटल सैक। और इसके भीतर वन पेयर टेस्टीज पाए जाते हैं। ये क्या है? टेस्टीज। दिस इज वन पेयर। और इसी के भीतर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी कि मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है इस टेस्टीज के भीतर। फीमेल की बॉडी को अगर देखें तो बच्चों फीमेल की बॉडी में कोई स्क्रोटम नहीं पाया जाता है। फीमेल की बॉडी में कोई स्क्रोटम नहीं पाया जाता है। फीमेल की बॉडी में वन पेयर ओवरी पाई जाती है जो इसकी एब्डोमिनल कैविटी में होती है। देखो हमारा जो शरीर है ये वाला पोर्शन क्या है? हेड। ये क्या है? नेक। नेक के बाद जहाँ तक ये रिब्स हैं वहाँ तक होता है थोरैक्स। क्या होता है? थोरैक्स। थोरैक्स के बाद ये जो नीचे वाला पोर्शन दिस इज एब्डोमेन। ये क्या है? Abdomen. और थोरैक्स और एब्डोमेन के बीच में बच्चों एक सेपरेशन होता है जिसको बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। बीचों बीच पूरा आर पार लगा होता है वो डायफ्राम। ठीक है, पूरा सेपरेशन होता है। तो ऊपर होती है थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी में लंग्स, हार्ट, ठीक है, लीवर नहीं, लीवर तो डायफ्राम के नीचे है, वो एब्डोमेन में है। ठीक है, स्टमक, लीवर ये सब कहाँ है? एब्डोमिनल कैविटी में, बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे एब्डोमेन स्टार्ट हो जाता है और डायफ्राम के ऊपर थोरैसिक कैविटी पाई जाती है जिसके अंदर मेजर ऑर्गन्स पाए जाते हैं। समझ गए? Yes, तो एब्डोमिनल कैविटी में ये ओवरीज पाई जाती हैं। ये क्या है? ओवरीज। और इन ओवरी के भीतर अच्छा, ओवरी की संख्या कितनी होती है? वन पेयर। कितनी होती है? वन पेयर। फीमेल के एब्डोमिनल कैविटी में ओवरी होगी, वन पेयर ओवरी होगी। और इस ओवरी के भीतर बच्चों क्या बनता है बताओ? ओवम बनता है जिसको बोलते हैं फीमेल गैमीट। अब देखो इस मेल की बॉडी के जितनी भी सेल्स हैं सारी की सारी सेल डिप्लॉयड हैं। किसको छोड़ करके? गैमीट को छोड़ करके, स्पर्म को छोड़ करके। ये स्पर्म हैप्लॉयड होता है और ये ओवम भी हैप्लॉयड होता है। अब हैप्लॉयड का मतलब क्या हुआ? देखो ये सेल है जो कि डिप्लॉयड है, तो इसमें जितने भी क्रोमोजोम्स होंगे वो सारे के सारे क्रोमोजोम कैसे होंगे? पेयर में होंगे। एक ही जैसे कितने क्रोमोजोम होंगे? दो होंगे। लेकिन जब इनसे गैमीट का फॉर्मेशन होगा, इनसे जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा
तो ये पेयरिंग समाप्त हो जाती है, यहाँ पे पेयरिंग खत्म हो गई और इधर वाले इसमें आ गए, पेयरिंग खत्म हो जाती है। यहाँ पे 23 पेयर क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे केवल 23 क्रोमोसोम है और यहाँ पे केवल 23 क्रोमोसोम। ऐसा समझो जैसे तुमको एक वन पेयर जूता पहनना है, बोलो yes, तुमको तुम्हारे शरीर को वन पेयर जूता चाहिए, तो वन पेयर में कई जूता हो गए, दो शूज हो गए, तो एक पैर का जूता फादर से आएगा और एक पैर का जूता मदर से आता है, बात समझे। तो ये जो गैमीट्स हैं, गैमीट में केवल एक पैर का जूता है, फादर के गैमीट में केवल एक पैर का जूता है, मदर के गैमीट में दूसरे पैर का जूता है। जब ये गैमीट्स आपस में मिलेंगे तब पेयर बन जाएगा, समझ में आ रही बात। तो जहां पे गैमीट्स हैं वहां पे क्रोमोसोम पेयर में नहीं पाए जाते, इसलिए हम इसको बोलते हैं हैप्लोइड। ये कैसा है? हैप्लोइड। तो गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लोइड। हैप्लोइड का मतलब क्रोमोसोम्स पेयर में नहीं है, क्रोमोसोम पेयर में नहीं। अच्छा, अगर क्रोमोसोम पेयर में है तो जैसा ये क्रोमोसोम है वैसा ही ये क्रोमोसोम, क्या जैसा ये है वैसा ही ये है? नहीं, ये जूता है तो ये चप्पल है, नहीं समझ में आ रही बात। जैसा ये क्रोमोसोम है वैसा ही ये क्रोमोसोम है, जैसा ये है वैसा ही ये, जैसा ये है वैसा ये नहीं है। तो जैसा ये है वैसा ही ये है, तो इसलिए इन दोनों क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। कैसे क्रोमोसोम? होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं इन ए डिप्लॉयड सेल। और अगर सेल आपकी हैप्लोइड हो गई तो वहां पे होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो अलग अलग सेल में चले जाते हैं, क्रोमोसोम की पेयरिंग समाप्त हो जाती है। इसलिए बोलते हैं बच्चों गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लोइड। गैमीट हमेशा कैसे होते हैं, इस बात को जरूर आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कि गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लोइड। गैमीट्स कैसे होते हैं? हैप्लोइड होते हैं। ठीक, तो पहली बात तो ये हुई गैमीट होता क्या है। अब देखो तो हमारा ये जो शरीर है, ये शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बना है, बहुत सारी सेल से मिलके बना है। तो हमारे शरीर में देखो दो तरह की सेल हो गई कि नहीं, एक वो सेल्स जिनसे हमारा पूरा शरीर बना है और एक वो सेल्स जो गैमीट में पाई जाती हैं। गैमीट वाली सेल कैसी है? हैप्लोइड। और वो सेल जिनसे हमारा शरीर बना है वो सेल्स कैसी हैं? डिप्लॉयड है कि नहीं? तो हमारे शरीर में देखो दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, एक है सोमैटिक सेल्स जिनसे हमारा शरीर बना है और एक है जर्म सेल। जर्म सेल कहाँ पाई जाती है? गैमीट में। बोलो, गैमीट की सेल को क्या बोलते हैं? जर्म सेल। ये जर्म सेल्स कहाँ पाई जाएंगी? मेल के टेस्टिस में और फीमेल के ओवरी में पाई जाएगी। ठीक, तो हमारे शरीर में दो प्रकार की सेल्स हैं, डिप्लॉयड सेल और हैप्लोइड सेल। डिप्लॉयड सेल से पूरा शरीर बना,